हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम ये बताने वाले हैं कि अब्दुल्ला भाई से ऑनलाइन दवा कैसे मंगवाएं। तो हम इस वीडियो में पूरा जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, वो चीज़ पूरी जानकारी डिटेल में हम बता दे रहे हैं इसमें। सबसे पहले आपको उनका कोई एक मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। अगर किन्हीं के पास भी ना हो तो मेरे चैनल पर चले जाइएगा और मैं उनके साथ एक वीडियो बनाया हूँ और पोस्टर में भी उनके साथ मैं खड़ा हूँ, पोस्टर में देख लीजिएगा। और उस वीडियो को चला के आपको देखना है, उसमें अब्दुल्ला भाई ने खुद अपना मोबाइल नंबर बोले हुए हैं, दो तीन हैं, तो उसमें से एक नंबर चूज कर लेना है और उसको अपने मोबाइल पर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देखना है कि उसमें व्हाट्सएप है कि नहीं, क्योंकि आगे व्हाट्सएप व्हाट्सएप का हमें काम लगेगा। फिर आपको क्या करना है, उस नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल करने पर आपको अपनी प्रॉब्लम बताना है कि भाई मुझे ये चीज़ का प्रॉब्लम है, और फिर पूछिएगा कि इसका प्राइस क्या है। तो उनको आपको अलग अलग प्राइस बताएंगे, क्वालिटी के हिसाब से आपको प्राइस भी बताएंगे। जैसा प्राइस रहेगा वैसे उसमें क्वालिटी भी, अच्छी क्वालिटी का दवा रहेगा ये चीज़। तो आप कोई भी एक प्राइस का चॉइस कर लें, फिर बोल दीजिए मैं इसमें पेमेंट कर रहा किए दे रहा हूँ, फिर अगला प्रोसेस क्या होगा मेरा, ये भी पूछ लेना, ठीक है ना, कि अगला प्रोसेस क्या होगा मेरा। तो बोलेंगे आप पेमेंट कर दीजिएगा, हम वो बोलेंगे ठीक है ना, वो बोलेंगे कि आप पेमेंट कर दीजिएगा, हम आपके पास दो तीन दिन में आपके पास कॉल आएगा। तो आपको कॉल का इंतज़ार करना है, कॉल में अब्दुल्ला भाई होंगे, ठीक ना, अब्दुल्ला भाई होंगे। आपको अब्दुल्ला भाई कॉल करेंगे तो पूछेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम बता दीजिएगा। और आप प्रॉब्लम बताने पर वो आपसे बोलेंगी अपना पूरा एड्रेस और अपना जो पेमेंट की है उसको भी, पेमेंट वाला और एड्रेस वाला और व्हाट्सअप कर देना है। फिर आपको वहाँ से बिल्कुल आपका काम ख़त्म, फिर वो अब्दुल्ला भाई अपना प्रोसेस जो भी होगा बाय पोस्ट द्वारा वो पूरा कर देंगे, आपके यहाँ पहुँच जाएगा। और थोड़ा से और ध्यान दीजिएगा, और क्या हो सकता है आपके साथ, जैसे आप बात कर रहे हैं उनसे, मतलब कि सबसे पहले शुरुआत में बात करेंगे कि कॉल किए जैसे, तो वो आप अपना प्रॉब्लम बताएं, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो बोलेंगे कि ये प्राइस का है, ठीक ना, प्राइस भी बताएंगे, अपना प्राइस भी चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद अब वो आपको चूज़ कर रहे हैं, अगर बहुत व्यस्त हैं तो बोल देंगे कि ठीक है, बोल देंगे इतने वाला ले रहे हो, कि वो बोलेंगे ठीक है अपना पेमेंट कर दीजिए, कट कर दिए मोबाइल, कट दिए, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप उस नंबर पे पेमेंट कर दें। फिर कुछ देर बाद आपको उसमें कॉल करना कि भाई मैं इस पे इस नंबर पे पेमेंट कर दिया हूँ। तो बोलेंगे भाई पेमेंट कर दिए हो, तो या तो बोलेंगे कि अपना एड्रेस, या तो बोलेंगे अपना एड्रेस इस नंबर पर भेज दो, या तो बोलेंगे कि दो तीन दिन बाद आपके पास कॉल आएगा, ठीक ना। यहाँ भी दो तरीका बोलेंगे, दो तरीका ये हो गया। और दो तरीके में, या तो पहले तरीके में बोलेंगे कि जब आपको एड्रेस पूछा जाएगा, एड्रेस के लिए बोला जाएगा, तो मैं एड्रेस बता दूंगा कि एड्रेस में क्या क्या करना है, और अपना जो स्क्रीनशॉट है वो भी भेजना है, ठीक है ना। और इसके बाद एड्रेस में सब कुछ अच्छे डिटेल से आपको भर के देना है। तो अब्दुल्ला भाई फ़ोन करेंगे तब उनके बाद लास्ट वाले में अब्दुल्ला भाई को भेजना है। ये दो ऐसे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे दो तरीके से आपको, आप शुरुआत में ध्यान दे देंगे कि आगे प्रोसेस क्या होगा, तो वहीं से आपका काम ख़त्म हो जाए। अगर कट हो रहा है, कट करने पर तो आपको आपको क्या होगा, दो प्रोसेस से गुजरना पड़ जाएगा। बोलेंगे कि या तो उसी समय बोल देंगे कि हमें व्हाट्सअप कर दो, या तो बोलेंगे 3-4 दिन बाद आपको कॉल हम करेंगे, ये चीज़ बोल देंगे। आपको पूरा निश्चिंत हो जाना है, ये सब चीज़ प्रोसेस हो जाने पर आपको निश्चिंत हो जाना है, आपका जो पार्सल आपके घर पहुंच जाएगा। और मेन बात कि एड्रेस में क्या लिखना है, ठीक ना, ये चीज़ भी बता दो ना, बहुत लोग को एड्रेस पता नहीं, दिक्कत हो रहा होगा। तो मेरा क्या है कि इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि एड्रेस में क्या क्या लिखना है आप लोगों को।
एड्रेस में सबसे पहले लिखना है नाम, NAME नेम, ठीक है ना, अपना जो नाम है, फिर पिता का नाम, फादर्स नेम जो भी है, फादर्स नेम डाल दो, फिर एड्रेस यानी पता, पता है जो भी आपका गांव है गांव डाल दीजिए, हाँ, तहसील तहसील डाल दीजिए, हाँ, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, हाँ, जिला जो भी है जिला डाल दीजिए, जो भी है आपका जिला कोई भी है, हाँ, डाल दीजिए, इलाहाबाद हो इलाहाबाद डाल दीजिए, मुरादाबाद है मुरादाबाद, मतलब कि कौशाम्बी, और बहुत बहुत है वो चीज़ डाल दी। और कोष्टक में अगर आप यूपी के हैं यूपी डाल दीजिए, इसी में डिस्ट्रिक्ट में के आगे जो आपका पड़ेगा उसी के कोष्टक के आगे एमपी से एमपी डाल दीजिए, यूपी से महाराष्ट्र महाराष्ट्र डाल दीजिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपना पिन कोड, जो पिन कोड होता है ना 6 नंबर का, वो चीज़, जैसे किसी का 21/17 होगा, 21/16 होगा, ये सब चीज़ें होगा जो भी जिनका होगा अपने यहाँ का पता करके उसमें डाल देना है, वो चीज़ डाल देना है आपको। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका मोबाइल नंबर वो भी आपके पास होना चाहिए और भी चालू हालत में होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं कि उसमें इनकमिंग कॉल बंद हो, ना ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे के उसमें अपना जो है नंबर दीजिएगा जो एड्रेस में, फिर ये कर दीजिएगा। और लास्ट में ये कर दीजिएगा, इतना हो गया, ठीक ना, मोबाइल नंबर डाल दिए, सब कुछ डाल दिए, इतना हो गया, इतने में आपके पास पार्सल पहुंच जाएगा। और अपना प्रॉब्लम, जो आपका प्रॉब्लम है ना कि हाँ मुझे ये हो रहा है, एक दफ़ा लिख दीजिएगा कि कहीं कंफ्यूजन बाय मिस्टेक दूसरा दफा ना आ जाए, आप मैरिड की अनमैरिड है वो भी लिख दीजिएगा कि मैरिड है कि अनमैरिड है, क्योंकि बाय मिस्टेक किन्हीं लोग को कुछ अलग दवा ना मिल जाए, कि यहाँ दिमाग भाई बाय मिस्टेक हो जाता है थोड़ा से हल्का, तो कोई मतलब कि किसी का शादी के शादी वाला होता है कि 2 घंटे बाद जो गोलियाँ खाते हैं वो वाला होता है, तो इस वजह से आप लिख दीजिएगा कि मैरिड के अनमैरिड, ठीक है। और जब भेज रहे हैं तो इसी में अपना स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार तो जो पे मांगे भेज दीजिएगा, अपने से इसमें भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट। फिर आप लोगों को यहाँ से आपका काम ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से आपका काम काम ख़त्म हो जाएगा। आपको 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 12 12 दिन बाद आदमी का, बहुत लोगों का पार्सल पहुँचा है वहाँ, अब वहाँ जहाँ से वो लोग मंगवाए, जहाँ के लिए मंगवाए हैं वहाँ पहुँचा है। घबराने कोई बात नहीं है, आपके पास इसकी शॉट होना चाहिए। फिर इसके आगे अगर नहीं आ रहा तो हाँ हमसे कांटेक्ट कर दीजिएगा, हम आपका जो भी है वहाँ जाना होगा तो हम चले जाएंगे, या तो कॉल पे बात करना होगा अब्दुल्ला भाई से, हम तो कॉल पे बात कर लेंगे, जैसा भी होगा, और कोई दिक्कत नहीं होगा। आप निश्चिंत होके इस नंबर पर पैसा डाल दीजिएगा और आगे प्रोसेस भी पूछ लीजिएगा, प्रोसेस ज़रूर पूछ लीजिएगा भाई कि आगे प्रोसेस क्या है, अगर कट कर दें तो दो भी दूसरा तरीका बताएं क्या करना है। और आज का इतने वीडियो है, और निश्चिंत होके अपना अपना पेमेंट कर दीजिएगा भाई, और आज का यही समाप्त करते हैं वीडियो, ओके।